2024 से पहले ट्रेडिंग को लेकर आ चुकी है सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मुंबई और लखनऊ के बीच हो चुकी है आईपीएल की पहली ट्रेडिंग। आखिर किस प्लेयर की ये ट्रेडिंग हुई, कितने में ये ट्रेडिंग हुई और क्या सोचा है इस ट्रेडिंग से पहले दोनों ही मुंबई और लखनऊ की टीम ने, चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं प्लेयर की बात करूं तो वेस्ट इंडीज के रोमीरो शेफर्ड अब ट्रेड हो चुके हैं। पिछले साल तक शेफर्ड लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा थे, लेकिन अब रोमीरो शेफर्ड 2024 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा होने वाले हैं। अगर मैं ट्रेड की वैल्यू की दोस्तों बात करूं तो 50 लाख रुपयों में ये ट्रेडिंग हुई है, तो बहुत ज्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व नहीं था। रोमीरो शेफर्ड अगर हम आईपीएल की बात करें तो बहुत बड़े प्लेयर भी नहीं है। अगर आप इनके आईपीएल में स्टैट्स की भी बात करेंगे तो 4 मैच खेले अभी तक आईपीएल इतिहास में, सिर्फ 58 रन करें, 138 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है, तो वही गेंद से भी इन्होंने 4 मैचों में सिर्फ 3 विकेट निकाले, बहुत बड़ा नाम नहीं थे। आखिर क्यों ये ट्रेडिंग हुई है अब उस पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करूं तो लखनऊ सुपर जायंट्स एक विदेशी खिलाड़ी की जगह खाली करना चाहती थी। देखो यार, नियम क्या कहता है कि हर एक स्क्वाड में आप 8 से ज्यादा विदेशी प्लेयर नहीं रख सकते और हर एक प्लेइंग 11 में आप 4 से ज्यादा विदेशी प्लेयर नहीं खिला सकते। इसी नियम के तहत लखनऊ सुपर जायंट्स की जो टीम थी ना, वो नीलामी से पहले अपने कई सारे विदेशी प्लेयर्स को निकालना चाहती थी, जिसमें से एक रोमीरो शेफर्ड थे। अब मुंबई सामने से तैयार थी, इसीलिए रोमीरो शेफर्ड को 50 लाख, जो कि काफी कम वैल्यू है अगर आप आईपीएल नीलामी की बात करें, लखनऊ वालों ने ट्रेड करना सही समझा। तो लखनऊ के हवाले से अच्छा फैसला था, क्योंकि लखनऊ को अपनी जगह खाली करनी थी विदेशी प्लेयर की, नीलामी में किसी दूसरे विदेशी प्लेयर पर लखनऊ यहां से बोली लगाने की तैयारी करेगी, प्रिपरेशन करेगी, दैट्स व्हाई लखनऊ सुपर जायंट्स ने ये ट्रेडिंग की। लेकिन भैया मुंबई इंडियंस ने क्यों लिया रोमीरो शेफर्ड को, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, बताएंगे। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब का बटन या नीचे फटाफट हिट कर दो और बेल आइकन दबा लो। लेकिन उसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम पर आप हमें जरूर फॉलो करिए, टेलीग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे पहले, जी हाँ फिर बोल रहा हूँ, सबसे पहले इस ट्रेडिंग की खबर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ चुकी थी। और इसीलिए बोल रहा हूँ फटाफट जाइए, आईपीएल का पूरा मजा मिलेगा, जाइए फटाफट ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर भी, चैनल को सब्सक्राइब कर भी बेल आइकन दबा देना। अब मुंबई इंडियंस का नजरिया दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं। मुंबई की अगर मैं बात करूं तो जो रोमीरो शेफर्ड है ना दोस्तों, वो राइट आर्म फास्ट मीडियम है, मतलब हल्की सी तेज गेंदबाजी कर लेते हैं। मुंबई की पिच जो है, वानखेड़े स्टेडियम है ना, वहां पर इनकी जो हाइट है, इसका बहुत फायदा मुंबई इंडियंस को मिल सकता है, क्योंकि बाउंस अच्छा मिलता है, हमने वर्ल्ड कप में भी देखा है मुंबई की पिच पर। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों इनके साथ यह है कि काइंड ऑफ ऑलराउंडर का रोल निभाते हैं ये, 138 के स्ट्राइक रेट, 140 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं, मतलब नीचे से आकर ये मैच को फिनिश करने की काबिलियत रखते हैं। तो एक बैकअप ऑलराउंडर काइंड ऑफ तेज गेंदबाज की अच्छी भूमिका निभा सकते हैं और वानखेड़े स्टेडियम पर ये हैंडी साबित हो सकते हैं। तो एक बैकअप ऑप्शन के लिए मुंबई इंडियंस ने ये ट्रेड किया है। यहां से हमें यह भी पता लगता है कि एक बड़ा विदेशी खिलाड़ी मुंबई रिलीज भी करने वाली है, क्योंकि मुंबई के पास भी कोई पूरी जगह तो है नहीं भैया, मुंबई के पास भी लिमिटेड 8 स्पेस ही है विदेशी खिलाड़ियों के। तो एक बड़ा विदेशी रिलीज भी करेगी मुंबई, क्या वो जोफ्रा आर्चर होंगे, वो बताना कमेंट बॉक्स में। ट्रेडिंग पर आपकी क्या नजरिया है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना।